तो हम अक्सर क्या कहते हैं, लव इज इन दी एयर, बट रियली अगर मैं आपसे कहूँ कि देयर इज केमिकल इन दी एयर, तब हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑक्सीफुट इंटीरियर। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और अपने और अपने एनवायरनमेंट की हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। लेकिन आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो भी आपकी हेल्थ से ही जुड़ा हुआ है। आप कुछ लोग शायद ये भी सोच रहे होंगे कि इंटीरियर के चैनल पर मैं हेल्थ की क्यों बात कर रही हूँ, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हम अक्सर क्या कहते हैं, लव इज इन दी एयर, बट रियली अगर मैं आपसे कहूँ कि देयर इज केमिकल इन दी एयर, तब शॉक मत होइए, लेकिन ये सच है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ वो भी आपको थोड़ी देर में वीडियो में आगे पता चल जाएगा। क्योंकि आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में, जो कि एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इससे अनअवेयर हैं। हमें पता तो है कि हाँ इंडोर एयर पोल्यूशन होता क्या है, लेकिन उसकी क्या सिवियर, कितना वो सिवियर होता है और हमारी हेल्थ को कितना ज़्यादा अफेक्ट करता है, इस बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। तो आज हम उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे और इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये आपकी ही हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में। हम पहले ये जानते हैं कि ये पॉल्यूटेड होती कैसे है और क्यों हमारे लिए इस पर बात करना इतना ज़रूरी है, इसके बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। एक स्टडी के मुताबिक हम अपना जो है 90% टाइम जो है वो किसी ना किसी इंडोर स्पेस पर ही बिताते हैं। क्योंकि अगर जैसे हम ऑफिस जा रहे हैं तो वो भी एक इंडोर स्पेस हो गया, हमारा घर भी एक इंडोर स्पेस हो गया, हम किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं वो भी एक इंडोर स्पेस हो गया। तो उसी हिसाब से हमारा जो 90% टाइम होता है वो किसी न किसी इंडोर स्पेस में स्पेंड होता है। और इस एक और स्टडी हुई है जिसमें ये बात सामने आई है कि हमारी जो इंडोर एयर होती है वो आउटडोर एयर से 2 to 5 times ज़्यादा पॉल्यूटेड होती है। तो अब ये आप खुद ही सोचिए कि आप 90% टाइम जहाँ स्पेंड कर रहे हैं वो एयर जो है आपके लिए कितनी ज़्यादा हार्मफुल है और आप उससे अवेयर तक नहीं है। इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा है ताकि आप लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस मिले। तो अब बात आती है कि इंडोर एयर हमारी पॉल्यूटेड होती कैसे है। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हम तो भाई आउटडोर एयर का सर्कुलेशन जो है वो रोक देते हैं क्योंकि आउटडोर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। लेकिन मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारी इंडोर एयर तो आउटडोर एयर से भी ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए, इंडोर एयर पोल्यूशन के बहुत सारे रीजंस हैं। इवन अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूँ तो जो हम खाना बनाने के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसके थ्रू भी इंडोर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है। इवन जो लोग विलेज वगैरह में रहते हैं वहाँ पर इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा है क्योंकि वो लोग कोल वगैरह यूज़ करते हैं, काउडंग यूज़ करते हैं अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए, जिसमें कि काफ़ी सारी जो है हानिकारक गैसेस होती हैं। लेकिन मैं जो आज जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो है ऑफ गैसिंग। अब ये ऑफ गैसिंग क्या होता है इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, इसीलिए मैं इस टॉपिक पर मेनली बात करने वाली हूँ। तो ऑफ गैसिंग का अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल दूँ तो इसका मतलब है कि किसी चीज़ की अगर आप स्मेल को फील कर पा रहे हो तो मतलब कि वो ऑफ गैस हो रही है। ऑफ गैस की अगर मैं आपको एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन बताऊँ तो कुछ केमिकल्स का एयर के कांटेक्ट में आने पर हवा में गैस फॉर्म में रिलीज होना। तो ये कब होता है? मेनली ये होता है किसी भी नए मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के थ्रू। वैसे तो ऑफ गैसिंग जो है आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स में भी मिल जाएगी, लाइक अगर आप किसी फ्लावर को स्मेल करते हैं, किसी फ्रूट को स्मेल करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए टॉक्सिक नहीं है। हमारे लिए टॉक्सिक क्या है? जो मैनमेड आइटम्स हैं जब वो एयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं तब उनसे जो उनमें जो केमिकल यूज़ हुए हैं वो हवा में धीरे धीरे रिलीज़ होने लगते हैं। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूँ तो जैसे हम अपने घरों में जब फ्रेश पेंट कराते हैं तो हमें एक ऑडर सी फील होती है, एक स्मेल फील होती है कई बारी। हालांकि आजकल पेंट कंपनीज ने काफ़ी जो अपने केमिकल्स हैं उनको कम कर दिया है क्वांटिटी में, लेकिन अभी भी बहुत सारी कंपनियों में
काफ़ी सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि यूज़ होते हैं, और वो उसी वजह से वो जो हमें एक स्मेल सी फील होती है जब हम अपने घरों में पेंट कराते हैं, वो ऑफ गैसिंग का नतीजा होती है। ऐसा ही मैं अगर आपको एक और एग्जांपल दूँ तो जैसे न्यू कार की स्मेल, तो बहुत लोगों जब आप लोग नई कार लेते हो तो आपको उसमें एक अलग सी स्मेल फील होती है। तो होता क्या है, ये जब चीज़ें कांटेक्ट में आती हैं, एयर के कांटेक्ट में आती हैं, तो धीरे धीरे इनका जो इसमें जो केमिकल्स हैं वो धीरे धीरे रिलीज होने लगते हैं, तो हमें वो स्मेल फील होती है। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि थोड़े टाइम बाद वो स्मेल तो चली जाती है, लेकिन स्मेल जाने का मतलब ये नहीं है कि जो वो प्रोडक्ट है उसने ऑफ गैसिंग करना बंद कर दिया है। वो एक्चुअली में इतना सटल हो जाता है कि हमें स्मेल फील नहीं होती है, लेकिन वो तब भी हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें VOC या और दूसरे केमिकल्स जो है वो रिलीज करता रहता है। अब VOC के केमिकल्स हमारे लिए कितने हानिकारक हैं मुझे आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। VOC में किस तरह के केमिकल्स आ गए, लाइक फॉर्मेल्डिहाइड आ गया, बेंजीन आ गया, ओजोन आ गया, क्लोरोफॉर्म आ गया, इस तरह के बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन वो हवा में रिलीज होते रहते हैं। और जैसे हमारे घर में अगर मैं पेंट का ही एग्जांपल दूँ, तो जब टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तब इनकी जो ऑफ गैसिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात आती है कि इससे हमें क्या खतरा है, मतलब अब आप यही सोचेंगे कि भाई ऑफ गैसिंग तो ठीक है, अब ये होगी तो होगी, इससे कर क्या सकते हैं, इसमें क्या ऐसा हमें हेल्थ इशू है। तो मैं आपको हेल्थ इश्यूज बता देती हूँ। तो दोस्तों, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपोजर में रहते हो इसके VOC से रिलेटेड किसी केमिकल के या अदर केमिकल के, तो होता क्या है, हमें स्किन में इरिटेशन होने लगती है, हमारी आइज में इरिटेशन होने लगती है, हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है, हमें नोज़ में, थ्रोट में प्रॉब्लम हो सकती है, नोज़ से ब्लीडिंग भी हो सकती है, आपको हेडेक फील हो सकता है, आपको फ्रीजीनेस सी लगने लग सकती है, आपको हमेशा स्लीपी स्लीपी सा लगेगा, और आपको अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपोजर में रहेंगे तो आपका उससे मूड ख़राब होगा, मूड स्विंग्स होंगे आपको, उसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और आपका जो हार्मोनल बैलेंस है वो बिगड़ सकता है उसमें। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपोजर में रहते हैं, बहुत समय के लिए किसी हानिकारक केमिकल के एक्सपोजर में रहते हैं, तो आपको कैंसर तक की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो उसी चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आप कितने ज़्यादा और कितने हार्मफुल केमिकल के कॉन्टेक्ट में रहे हैं। इससे हमें कई तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, हमारे लंग्स पर इसका बहुत गलत असर होता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बाय द टाइम अगर आप इसके एक्सपोजर में रहते हैं बिना खुद को प्रोटेक्ट किए तो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, और एक लंबे समय के लिए फेस करनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं कि क्या ऑफ गैसिंग की वजह से सभी को प्रॉब्लम होगी। तो देखें, अगर हम वैसे बात करें तो किसी भी लिविंग क्रिएचर के लिए ऑफ गैसिंग जो अननेचुरल है, मैनमेड आइटम से होती है, वो अच्छी नहीं है। लेकिन तीन तरह के लोग हैं जो कि इससे ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट इज़ जो कि हमारे अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो इसके संपर्क में ज़्यादा आने से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। सेकंड नंबर पे जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, एल्डर पर्सन हैं, उन लोगों का भी क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है बाय द टाइम एज के साथ कमज़ोर होने लगता है, तो उन लोगों को भी इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड, वो लोग जिनको पहले से कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या अस्थमा की प्रॉब्लम है या फिर जिनका इम्यूनिटी सिस्टम पहले से ही वीक है, वो लोग इसके ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं, उनको इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ सकती हैं। तो अब बात करते हैं कि ऑफ गैसिंग के कौन कौन से वेज हैं, हमारे घरों में किस तरह से ऑफ गैसिंग होती है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि किसी भी मैनमेड आइटम से या आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है,
तो अगर मैं इंटीरियर के हिसाब से आपको थोड़ा गाइड करूं तो किसी भी तरह का नया मैन्युफैक्चर जो भी फर्नीचर है, चाहे आप अपने घर में मैन्युफैक्चर कराएं उसे, चाहे आप बाहर से बना बनाया लेकर आए, उसके थ्रू ये प्रॉब्लम हो सकती है। जो फ्लोरिंग्स हैं हमारी, जैसे कारपेट फ्लोरिंग है, फिनाइल फ्लोरिंग है, उसके थ्रू ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि उससे बहुत सारे जो है वीओसी केमिकल्स जो है रिलीज़ होते हैं, और इनके साथ जो ये केमिकल्स हैं ये काफ़ी सालों तक बने रहते हैं, जो कि हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते रहते हैं। फिर आप जो भी अपने घर में लाइक कोई पैनल वगैरह बनवा रहे हैं, उसमें पार्टिकल बोर्ड यूज़ हो रहा है, प्लाईवुड यूज़ हो रहा है, तो उसके थ्रू भी, क्योंकि उनको जो है जैसे पार्टिकल बोर्ड है उसको बॉन्ड करने के लिए जिस तरह के जो एडहेसिव यूज़ होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है फॉर्मेल्डिहाइड होता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन जब हम उनको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं हमारे घर में, वो हम उनको यूज़ में लाने लगते हैं, तो वो हवा के कॉन्टेक्ट में आकर वो धीरे धीरे जो फॉर्मेल्डिहाइड या अदर केमिकल्स हैं उनको रिलीज़ करने लगते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी एडहेसिव ले लें, कोई भी किसी भी तरह का जो बॉन्ड है किसी चीज़ को पेस्ट करने के काम आ रहा है, उसमें ज़्यादातर सब में वीओसी केमिकल्स होते हैं, चाहे वो वॉलपेपर का एडहेसिव ही क्यों ना हो। फिर हमारे कुछ जो पेंट है उनमें भी वीओसी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, हालांकि आजकल पेंट कंपनीज ने बहुत कम कर दिया है वीओसी का यूज़ जो है, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन ऐसी है, लेकिन अभी भी कुछ पेंट ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वीओसी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसी के साथ में आप जो रूम फ्रेशनर्स वगैरह यूज़ करते हैं उसमें तरह तरह के केमिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बस एक केमिकल को दूसरे केमिकल से रिप्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें स्मेल की जगह फ्रेग्रेंस जो है वो फील होने लग जाती है, लेकिन उसमें जो कंटेंट होते हैं उसमें केमिकल्स यूज़ होते हैं और हमारी आदत नहीं होती है इनके जो लेबल्स होते हैं उनको रीड करने की, हम बस जस्ट कंपनी देखते हैं, फ्रेग्रेंस देखते हैं और यूज़ करने लग जाते हैं, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। इसी तरह के आप जो भी अननेचुरल क्लीनर्स वगैरह यूज़ करते हैं अपने घर को साफ करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, उसमें इस तरह के केमिकल्स होते हैं। अगर मैं और अदर आइटम्स की बात करूँ तो किसी भी तरह की जो पॉलिश हम यूज़ करते हैं लाइक विनियर वगैरह पर, पी यू पॉलिश हो गई, मेलामाइन पॉलिश हो गई, उसमें इस तरह के केमिकल्स होते हैं। आपके जो भी रूम फ्रेशनर जैसे मैंने बताया, मेमोरी फॉर्म से रिलेटेड जो हमारे मैट्रेस होते हैं उसमें भी तरह तरह के केमिकल्स होते हैं, बच्चों के टॉयज़ में, किसी भी तरह के प्लास्टिक के आइटम्स में, और मतलब देखा जाए तो ये जो चीज़ है ऑफ गैसिंग की जो प्रॉब्लम है, ये ज़्यादातर सभी जो भी मैन मेड न्यू आइटम्स होते हैं उनमें ये होती ही है, ज़्यादातर केसेस में हर किसी चीज़ में ये होती ही है। तो अब बात करते हैं दोस्तों सेफ्टी टिप्स के बारे में। मैंने आपको प्रॉब्लम तो बता दी है कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मैं आपको इसका सॉल्यूशन नहीं दूंगी तो फिर वो हाफ नॉलेज होगी, हाफ जानकारी होगी। तो मैं अब आपको इसके सेफ्टी टिप्स बता देती हूँ कि हम किस तरह से जो वीओसी का ये ऑफ गैसिंग का प्रॉब्लम है अपने घरों में या अपने किसी भी स्पेस में हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो नंबर वन, जो सबसे बेस्ट जो इसका तरीका है वो यही है कि अपने घरों में प्रॉपर वेंटिलेशन रखिए, कभी भी अपने घरों को बंद एक स्पेस बना के नहीं रखिए, और अगर आपके घर में काम चल रहा है किसी भी तरह का, कुछ भी आप नया मैन्युफैक्चर करा रहे हो या कोई नया मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो, तब खास तौर से अपने घरों में वेंटिलेशन प्रॉपर रखिए। सेकंड जो बेस्ट वे है ऑफ गैसिंग को रिड्यूस करने का, कि आप यूज्ड प्रोडक्ट को रीयूज़ करें, लाइक अगर मैं आपको किसी फर्नीचर के थ्रू एग्जांपल दूँ तो किसी यूज्ड फर्नीचर को अगर आप आपके घर में यूज़ करते हो एज इट इज़ वे में, तो वो उसमें ऑफ गैसिंग का प्रॉब्लम पहले ही ख़त्म हो चुका होगा, अगर उसको कई साल हो चुके हैं तो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है, अगर आप उस यूज्ड प्रोडक्ट को, मतलब यूज्ड जो भी फर्नीचर है उसको आप कुछ मॉडिफिकेशन करा रहे हो, उसमें कुछ पेंट करा रहे हो, पॉलिश करा रहे हो, कुछ एडिशन करा रहे हो, तो उसमें जो वो नया मटेरियल लगेगा उसके थ्रू ऑफ गैसिंग होगा, लेकिन वो उसकी क्वांटिटी हम कह सकते हैं थोड़ी सी कम होगी अगर हम कंपेरिजन करें एक नए प्रोडक्ट से।
थर्ड जो इसका बेस्ट वे है वो ये कि अगर आप कोई बना बनाया फर्नीचर कोई प्रोडक्ट ले रहे हो तो आप उसके मैन्युफैक्चरर से बात कर सकते हैं, अगर वो अपने यहाँ पर विदाउट पैकिंग आपके प्रोडक्ट को थोड़े टाइम के लिए किसी आउटडोर स्पेस में अगर उसको रख सकें, क्योंकि जो ऑफगैसिंग का प्रोसेस होता है वो हाई टेम्परेचर में ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अगर वो उसको सन के एक्सपोजर में रख सकते हैं उस टाइम के लिए तो उसकी जो ऑफगैसिंग का जो मेन जो ऑफगैसिंग होनी होती है स्टार्टिंग के डेज में वो प्रोसेस वहीं पर हो जाएगा और आपके घर में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट जो इसका बेस्ट वे है कि अगर मैन्युफैक्चरर नहीं मानते हैं इस चीज़ के लिए, तो अगर आपके घर में कुछ ऐसे जगह पर या सन एक्सपोजर में उस चीज़ को अगर आप रख सकते हो, उस प्रोडक्ट को रख सकते हो, तो आप वो करें, क्योंकि सन के एक्सपोजर से क्या होगा कि उसके जो ऑफगैसिंग का प्रोसेस है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और जल्दी ही वो आउटडोर स्पेस में जो भी वो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे। नेक्स्ट जो इसका बेस्ट वे है वो ये कि आप जो भी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर जानकारी लें, उसके जो भी लेबल्स हैं उनको रीड करें और अपने मैन्युफैक्चरर से पूछें कि क्या उनको ग्रीन कार्ड सर्टिफिकेट मिला हुआ है, क्योंकि ग्रीन कार्ड सर्टिफिकेट ये फर्नीचर की इंडस्ट्री के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, ये उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो कि कम से कम VOC को रिलीज़ करते हैं और उसमें कम से कम केमिकल यूज हुए होते हैं और वो इंडोर स्पेस के लिए सेफ होते हैं यूज़ करने के लिए, तो आप इस तरह की जानकारी जो है आपके मैन्युफैक्चरर से ले सकते हैं। नेक्स्ट जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अगर ज़्यादातर हो सकता है जितना उतना नेचुरल प्रोडक्ट्स को नेचुरल चीज़ों को यूज़ करें, क्योंकि नेचुरल उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो जनरली हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं, तो जितना हो सकता है आप नेचुरल क्लीनर्स का यूज़ करें, नेचुरल रूम फ्रेशनर्स का यूज़ करें, और जितना वैसे तो इन केमिकल से जितना आप दूर रहेंगे उतना अच्छा है, लेकिन अगर आपने यूज़ करने हैं तो कोशिश करके नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ अपना जो कंसर्न है उसको लेकर जाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपको बता सकती हूँ वो ये कि जो फ्लेम रिटार्डेंट वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनको जितना हो सके उन्हें अवॉइड करिए, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा हाई केमिकल यूज़ किए जाते हैं उनको फ्लेम से बचाने के लिए, लेकिन वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो इसका एक वे हो सकता है इसको रिड्यूस करने का वो है एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करना, लेकिन एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो उसकी जगह पर आप एक्टिवेटेड चारकोल का भी यूज़ कर सकते हो। अब ये एक्टिवेटेड चारकोल क्या है इस पर मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। उस वो एक बहुत ही अच्छा वे है, बहुत ही रीजनेबल अमाउंट में आपके घर की एयर को प्यूरीफाई करने का, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ा रहना होगा ताकि मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो दूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो देख के आप आपके घर के जो भी VOCs हैं या अदर केमिकल्स हैं उनको काफ़ी रिड्यूस कर सकते हैं, वो भी बहुत ही रीजनेबल अमाउंट में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जो कि इंडोर एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड था। मैंने इसमें आपको बहुत ही डिटेल में सारा कुछ समझाने की कोशिश की है, और इंडोर एयर पॉल्यूशन को प्लीज़ इग्नोर नहीं करिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये आउटडोर एयर से कहीं ज़्यादा पॉल्यूटेड हमारी जो इंडोर एयर होती है, और हम अपना काफ़ी सारा समय जो है इंडोर एयर में स्पेंड करते हैं, तो प्लीज़ इसकी तरफ अपना थोड़ा अटेंशन दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो एक्टिवेटेड चारकोल पर लेकर आऊँगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपको बहुत ही कम अमाउंट में एक अच्छा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट चाहिए जो कि आपके घर की जो ख़तरनाक केमिकल्स हैं उनको कम कर सके, रिड्यूस कर सके, तो उसमें में वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और साथ में जो ये VOCs केमिकल्स होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, दोबारा कहती हूँ कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, लॉन्ग टर्म में इनका एक्सपोजर अच्छा नहीं होता है, और ऑफगैसिंग के साथ तो प्रॉब्लम ही यही है कि ये लॉन्ग टर्म तक कई ईयर्स तक हमारे घरों में जो है होती रहती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है क्योंकि उसकी स्मेल जो है ख़त्म हो चुकी होती है और बहुत ही सटल वो हो चुकी होती है, लेकिन वो हमारे लिए हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, एक तरीके से एक स्लो पॉइजन का काम करती है। इसलिए मैं हर बार कहती हूँ आपको कि
कि आपके घरों में प्रॉपर वेंटिलेशन रखिए। जब कोई नया काम हो रहा हो तब खास तौर पे आप जो है वेंटिलेशन रखिए, और अगर हो सके तो कुछ भी अगर आप नया कुछ मैन्युफैक्चर करा रहे हैं तो उसको घर के बाहर अगर आप मैन्युफैक्चर करा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इन छोटे छोटे टिप्स को ध्यान में रखकर भी आप आपके घर का जो ऑफ केसिंग का प्रॉब्लम है वो काफ़ी कम कर सकते हैं और अपनी इंडोर एयर को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा कर सकते हैं और उससे होने वाले हार्मफुल इफेक्ट से खुद को और आपकी फैमिली को बचा सकते हैं। उसके बाद फिर आपके घरों की हवा में केमिकल्स नहीं रहेंगे और जो एक हैप्पीनेस होनी चाहिए वही रहेगी। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज का ये वीडियो एंड करती हूँ। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।